दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आज आपका YouTube चैनल लाइव ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किसी न किसी कारणवश भाग्य में बाधा आ रही है, कार्य बन तो रहा है लेकिन रुक रुक करके बन रहा है, या फिर पूरा कार्य, पूर्ण कार्य बना हुआ बिगड़ रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। तो जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह उपाय आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जो अपना दुर्भाग्य चल रहा है उसको सौभाग्य के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन करें, उसके लिए मैं आपका विधि पूर्वक विधान सहित पूर्ण रूप से जो लिख करके लाया हूं वो आपको सुनाऊंगा। उसको आप सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा कि किस प्रकार से अपने जीवन में दुर्भाग्य से सौभाग्य की अपने को प्राप्ति होगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में कोई भी बाधा हो तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप अवश्य करें। जैसे ही मेरा वीडियो शुरू होता है उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप बात करें कि किस प्रकार से आप जो है कि मेरे से बात कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे मैसेज करें पहले कि मैं बात करना चाहता हूं आपसे। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आप कॉल करें तो उस समय आप मेरे से अवश्य ही बात कीजिएगा। चलिए अपन चलते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए क्या क्या उपाय हैं, वो आप उपाय ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पूर्ण रूप से सुनिएगा। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैं लिख करके लाया हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, कभी ना कभी चाहे हुए जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, साथ ही दुर्भाग्य निरंतर पीछा करता रहता है। दुर्भाग्य से बचने के लिए या दुर्भाग्य का नाश करने के लिए मैं आपको जो उपाय बताऊं, इन्हें पूर्ण आस्था के साथ करने से, आस्था होनी बहुत ही जरूरी है। यदि आस्था नहीं है तो आपका कोई कार्य नहीं बन सकता कि पंडित जी बता रहे हैं ऐसे ही बता रहे हैं, नहीं, आप पूर्ण आस्था के सहित करें और आपको अवश्य ही रिजल्ट मिलेगा। आस्था के साथ करने से दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य में वृद्धि होगी। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बस आप इन उपायों को करते रहे, कर्म भी करें और अच्छे काम की कोई रिस्पेल नहीं। कहने का मतलब आपको कर्म करते रहना है। चलिए बताता हूं मैं आपको कि एक जन्म की नहीं 7 जन्म की लगती है। पिछले कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों की फिक्र छोड़ करके निष्काम भाव से और सच्चे और न्याय प्रिय कर्म करें। कर्म बहुत ही अच्छा करना चाहिए, कोई भी खराब कर्म न करें। प्रतिदिन सूर्य उदय के समय गायत्री का जाप और ध्यान करें। क्या करना है? गायत्री का जाप करें और ध्यान करें माँ गायत्री का। और लेकिन मन में किसी भी फल की आशा न रखें, सिर्फ सद्बुद्धि की ही कामना करें। अपने मन के जिस समय आप गायत्री का जाप करते हो उस समय मन के अंदर कोई भी फल की आशा न करें कि मुझे भगवान ये फल देना वो देना, नहीं, आप तो सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, माँ गायत्री का जाप करें और माँ गायत्री का आप ध्यान करें। कुछ ही दिनों में आपका है दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। फिर दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यथासंभव माता और पिता ये संभवतः प्रश्न रखें और उसको बुरा प्रावधान में समाप्त होने लगेगा। कहने का मतलब माता पिता को हमेशा प्रश्न रखें, माता पिता को क्या जरूरत है क्या नहीं है। कोई भी कार्य के लिए आप निकले माता पिता के चरण स्पर्श करके निकले, माता पिता की प्रत्येक बात आप सुने कि माता जी क्या कह रहे हैं, पिताजी क्या कह रहे हैं, कुछ न कुछ क्या करें, और उनको प्रसन्न रखें ज्यादा से ज्यादा, तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी और जो तो आपका दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। और किसी का भी दिल न दुखाएं और बद्दुआओं से सदा बच करके रहे। इस बात का ध्यान रखें कि किसी का भी अपने को बुरा नहीं करना यथासंभव। यदि अपन बुरा करते हैं तो अपने को उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, इसलिए हो सके यथासंभव किसी का भी बुरा नहीं करना है, अपना अपना कर्म करते रहना है। फिर तीसरा उपाय, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले इसको करना, एक रोटी लें और इस रोटी को अपने ऊपर से 21 बार, कितनी बार, 21 बार अपने ऊपर से घुमा दें। एक रोटी लेना है उसको 21 बार अपने ऊपर से घुमा दें और ये रोटी किसी कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को खिलाने से आपका जो दुर्भाग्य है वो नाश होगा हो जाएगा और सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा, आपका किस्मत आपका साथ देने लगेगी। फिर आपको कोई भी वार हो, चाहे मंगल, बुध, शनि, सोम, गुरु, शुक्र, तो आपको बजरंग बली को बिना चूना लगा हुआ एक मीठा पान चढ़ाएं और हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन मीठा पान चढ़ाएं और पान चढ़ाने के बाद ही तेल का दीपक लगाएं
हार फूल और अर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपके सभी कार्य पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। यदि प्रातः समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ होता है। जब भी आप घर से निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें। मीठा पान बिना चूना लगा हुआ भगवान बजरंग बली को आप अर्पण करें। कोई भी मंगलवार और शनिवार के दिन आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका जो दुर्भाग्य चल रहा है वो सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। यदि आपको ग्रहों की दशा खराब चल रही है तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगी। फिर पांचवा उपाय, पांचवा उपाय क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भाग्य बुरे भाग्य से बचाने के लिए अनोखा उपाय मौजूद है। ऐसे व्यक्तियों को भिक्षुकों के पास जाकर के अपना नकली अंतिम संस्कार कराते हो कि बुरे भाग्य को हमेशा के लिए दुर्भाग्य। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पांचवा उपाय कि किसी फकीर को गुड़ तथा चना देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुड़ दें और चना दें, देने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपका व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा हो तो बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीद लाए। कोई भी बुधवार हो या शुक्रवार हो, एक तोता खरीद करके लाए और पिंजरे सहित खरीद लाए और तोते को आजाद कर दें। तोता जितना दूर उड़ करके जाएगा आपका व्यापार उतना ही अधिक चलेगा। मैंने आपको क्या कहा है, तोता खरीद करके लाना है पिंजरे सहित और घर ला करके उसको पिंजरे से स्वतंत्र कर देना। जितना तोता दूर जाएगा उतना आपका व्यापार बढ़ेगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। फिर आपके छठा उपाय, दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए पति पत्नी को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और वैवाहिक जीवन को सुखमय होगा। जिस कन्या का विवाह न हो रहा वह भी किसी को भी दूल्हा दुल्हन के पास इस तरह खड़ी हो जाए कि दूल्हे पर फेंके गए अक्षत उसके ऊपर गिरे और शीघ्र विवाह हो जाएगा। कहने का मतलब, एक तो गौरी शंकर रुद्राक्ष करें जिनके विवाह के अंदर बाधा आ रही है, और या फिर जहां पर वर वधु की शादी हो रही है वहां पर खड़े हो जाए। जैसे पंडित जी अक्सर फूल पुष्प सब फेंकेंगे उसके ऊपर भी बरसेंगे तो उसका भी विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से और पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर आपको मैं बताता हूँ छठ सातवां उपाय। प्राय बहुत ऐसे अभाग्य दुर्भाग्यशाली होते हैं कि जो किसी के अशुभ क्षण में अशुभ ढंग से घर से निकलते हैं, उनमें से कोई कोई दुर्घटना और उपरांत अपने घर कभी नहीं लौट आते। इसके लिए सुझाव यह है कि घर से निकलते समय पूर्व दाएं पैर में जूता या चप्पल पहने और पहले दाएं पैर बाहर रखें और घर से जाते जाते लौट कर वापिस आकर आएंगे तो आप सुकून टल जाएंगे, आप सब कुशल लौट आएंगे। कहने का मतलब, घर से यदि आप बाहर निकलते हैं तो अपना दाया पैर है वो आप हैं, दाया पैर वो आप हैं, पैर घर से बाहर रखें और उसके बाद ही आप कहीं पर भी जाएं। फिर अपन चलिए, अपन मैं आपको बताता हूँ आठवां उपाय। अगर आप घर से निकल रहे हैं अचानक आपको कोई बछड़े का दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो आप तुरंत घर जाकर के गुड़ ला करके उस दूध पिला रही गाय को खिला दें। आपका दिन बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। कहने का मतलब कि यदि कोई गाय है, गाय आपको दिख जाए बछड़े को दूध पिलाती हुई, आपको पता है कि वहां पर गाय है, वहां पर बछड़े को दूध पिला दिए, तो आप वहां जाकर के उस गाय को 1.25 किलो गुड़ दें। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपको दसवां उपाय, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने हेतु किसी कुएं या बावड़ी के समीप पीपल का पौधा लगाएं और पौधे के वृक्ष होने तक उसको चींचे और पालन पोषण करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य का सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती है। कहने का मतलब, ज्यादा से ज्यादा पीपल का पेड़ लगाएं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, कहीं पर भी बगीचे में आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ कुआ हो, तालाब हो नजदीक में, वहां पर भी आप पीपल का पेड़ लगाएं और उसका भरण पोषण करें और उसको पेड़ की तरह पेड़ बना दे पूरा का पूरा। इसलिए उसका पालन पोषण करने से आपका जो दुर्भाग्य है वो ऑटोमेटिकली सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। फिर दसवां ग्यारहवां उपाय, सुबह दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के गणेश स्त्रोत्र का उन्हीं आसन पर बैठ करके पाठ करने से कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। इससे व्यक्ति की मानसिक शक्ति असाधारण रूप से बढ़ती है और सुदृढ़ होती है। कहने का मतलब, जो आप हैं, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया है और पूर्ण रूप से आप ये करते रहिएगा। फिर बारहवां उपाय, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सोने के कमरे में तिल के तिल का दीपक प्रज्वलित करके सोने से पहले बुरे सपने नहीं आते हैं और गहरी नींद आती है
और सोने से कमरे में नित्य देसी कपूर मिले शुद्ध घी का दीपक जलाने से नींद प्रगाढ़ आती है और मानसिक शांति मिलती है। कहने का मतलब जो आपको शांति मिलती है, जो जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में कुछ घंटे पहले एक तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लें, उसके बाद वह बुझ जाए दीपक, उसके बाद ही आप वहां पर सोने के लिए जाए, पहले आपको सोने के लिए नहीं जाना। इससे भी आपके दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपको 13वां उपाय, कोई भी शुभ कार्य चाहे वह नौकरी के लिए साक्षात्कार हो या व्यवसाय से संबंधित हो, फिर कुछ और कार्य करें और पूर्व हफ्ते के लिए अलग अलग दिनों में निम्नलिखित उपाय फलदायी हैं। रविवार को पान का पत्ता अपने साथ लेकर के जाए। कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई भी वार हो, चाहे रवि हो, सोम हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी वार हो, उस दिन आप यदि आपको सफलता चाहिए तो एक पान का पत्ता है आप साथ में लेकर के जाएं, इससे आपका सौभाग्य परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपको मैं बताता हूं 14वां उपाय, सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देख करके जाए और मंगलवार को मिष्ठान गुड़ चीनी मिठाई आदि खा करके जाए, गुरुवार को सरसों के कुछ दाने मुख में डाल करके जाए और शुक्रवार को दही खा करके जाना चाहिए और शनिवार को अदरक और घी खा करके जाना चाहिए और बुधवार के दिन हरे धनिये के पत्ते खाकर जाना लाभदायक रहता है। कहने का मतलब कौन से वार को क्या खा करके जाना चाहिए, इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार को देखिए, सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देख करके जाए, मंगलवार को मिष्ठान गुड़ चीनी मिठाई आदि खा करके जाए, गुरुवार को सरसों के कुछ दाने मुख में रख करके जाए और शुक्रवार को दही खा करके जाना चाहिए, शनिवार को अदरक और घी खा करके जाना चाहिए, बुधवार के दिन हरे धनिये के पत्ते खा करके जाना लाभदायक रहता है। तो कहने का मतलब जो आज मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आप करें ताकि जो आपका दुर्भाग्य है वो आपका सौभाग्य में परिवर्तित हो, जो आपके कार्य नहीं बन रहे हो, जो कार्य में रुकावटें आ रही है, उसके लिए जो जो आज मैंने आपको उपाय बताए ये आप उपाय अवश्य ही संपन्न करें और पूर्ण रूप से संपन्न करें और आगे भी इनको बताते रहें कि किस प्रकार से और भी लोगों को बताएं कि ये आप वीडियो देखें और इस वीडियो के अंदर जो जो पंडित जी ने बताया उसके अनुसार अपने को उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो जो आज मैंने आपको उपाय बताए वो आप अवश्य ही संपन्न करें, भगवान की कृपा से आपका है दुर्भाग्य सौभाग्य में बहुत ही जल्द परिवर्तन हो जाएगा। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वापस कि एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपके घर में वास्तु से दोष हो या कोई दूसरी बाधा हो तो आप मुझे जरूर WhatsApp पर मैसेज करें, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर जैसे वीडियो शुरू होता है उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया, बच्चों की कुंडली दिखाना, आपकी कुंडली दिखाना, कोई भी कार्य आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रास्ता दिखा दूंगा कि इस रास्ते पर अपने को चलना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, ओम नमः।